आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आज देखने वाले हैं व्लॉग में थाई मसाज। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मैं जा रहा हूँ थाई मसाज कराने और मैं जा रहा हूँ यहाँ नाना BTS से चितलोंग जो BTS है वहाँ पे। तो ये जो है ये आपको थाई ट्रैफिक ऐसा ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना बैंकॉक में ट्रैफिक का मतलब बहुत रश होता है। चितलोंग तो गाइस अभी पहुंच गया हूं मैं अपने मसाज सेंटर पे। तो अभी जाता हूं अंदर। सदीका आई हैव एन अपॉइंटमेंट या फ्रॉम नो नो कॉल लाइक एप्लीकेशन क्लूक ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके तो भाई ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस ये जो मैंने लिया है पैकेज वो मैंने लिया है 1 आवर थाई मसाज। इसका एक्चुअल प्राइस है ना इंडियन रुपीज में बोलूँ तो 1600 रुपये है, बट मैंने ये बुक किया था क्लूक ऐप से तो मुझे ये पड़ा था सिर्फ 650 रुपये में। 650 रुपये मतलब कि मेयर 225 बात हुए तो मतलब कि ऑलमोस्ट 1/3 हो गए थे। तो आपको भी अगर यहाँ पे आना है तो आप क्लूक ऐप का यूज़ कर सकते हैं और इसका नाम है वन मोर थाई मसाज। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इनका ना रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं और अभी देखते हैं अंदर जाके कि कैसा रहता है। तो भाई इन्होंने ना अभी मेरे लिए थाई टी ऑर्डर की है तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये तुम्हारा जो पैकेज है मतलब कि जो 650 रुपये मैंने पे किया है उसमें इंक्लूडिंग है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आपको ना शूज़ निकालने पड़ते हैं। इन्होंने मुझे सैंडल्स दे दिए हैं, शूज़ इन लोगों ने अंदर रख दिए हैं तो वो खुद ही ले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा एडजस्टेशन इन लोगों का बहुत ही अच्छा लगा। बेड्स रखे हुए हैं और फिर यहाँ पे ना ये ऐसे कर्टन्स हैं तो वहाँ से आप सेपरेट हो जाओगे बाजू वाले बंदों से। तो भाई ये जो थाई मसाज था वो मैंने बुक कराया था सिर्फ 650 रुपीज़ में क्लूक ऐप थ्रू और ये जो मसाज था वो विदाउट ऑयल था, मतलब कि वो लोग जस्ट आपको एक्यूप्रेशर देके आपको मसाज करेंगे। वो बहुत ही बढ़िया था और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और एक्सपीरियंस कीजिए। और थाई मसाज की खासियत ये है कि आप कितने भी जिम जा रहे हो या फिर आप कितने भी योगा कर रहे हो, अगर थाई मसाज करने के टाइम पे अगर आपकी चीखें नहीं निकलती है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेडिशनल थाई मसाज नहीं है। क्योंकि वो लोग जो मसाज करते हैं वो पूरा प्रेशर देके करते हैं तो अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो आप उन लोगों को बोल सकते हो कि थोड़ा प्रेशर कम कीजिए। तो भाई थाई मसाज के बाद ना इन लोगों ने मुझे थोड़ी कुकीज़ और चाय ऑर्डर की है। तो भाई ये है थोड़े कुकीज़ और चाय। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे एक बार में, रूफटॉप बार में, जिसका नाम है ऑक्टेव। तो गाइज ये जो देख रहे हो ना मेरे पीछे टर्मिनल 21 मॉल है और यहाँ पे है अशोक BTS। तो मतलब कि मॉल में ही सही है, आपको अगर BTS लेना है अशोक BTS तो आप ले सकते हो। तो मतलब आपको कहीं पे बाहर निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मॉल में से एग्जिट होइए यहाँ से और फिर चले जाए आप सीधा यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हो BTS। साउथ ईस्ट एशिया में ना व्लॉग बनाना मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि लोग देखते ना तो माइंड नहीं करते। बाकी अपने इंडिया में व्लॉग बनाने का मेन लफड़ा यही है कि लोग ना आजू बाजू में आके देखते रहते कि बंदा कर क्या रहा है, पर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी करो, आप व्लॉग बनाओ या आप रील्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और यहाँ पे ज़्यादातर चलता है TikTok तो लोग TikTok और Instagram की रील्स बनाने में ज़्यादा पड़े हुए हैं यहाँ पर।